नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग जी शार्प माइनर गिटार कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस कॉर्ड के स्केल में यूज होने वाले नोट्स, जो कि हैं जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई और एफ शार्प। ठीक है दोस्तों, और हमारे माइनर स्केल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम एक, तीन और पांचवा नोट अपने स्केल से बजाते हैं तो हमारी माइनर कॉर्ड बन जाती है। तो इसी तरह अगर हम इसके स्केल के पहला, तीसरा, पांचवा नोट देखें वो है जी शार्प, बी और डी शार्प। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन तीनों नोट्स को अपने गिटार पे कहीं भी बजा दें तो हमारी जी शार्प माइनर गिटार कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला तरीका देखते हैं जो आसान तरीका है, बार कॉर्ड से भी बजा सकते हैं हम इसे, पर उनके बारे में हम लोग अभी आगे के लेसनों में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, उन्हें कैसे बजाना है। तो हम आसान तरीके से बजाते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं आपकी रिंग फिंगर छठी फ्रेट चौथी स्ट्रिंग पे और आपकी इंडेक्स फिंगर तीसरी, दूसरी और पहली स्ट्रिंग की चौथी फ्रेट पे आपको रखनी है। यानी कि तीसरी स्ट्रिंग चौथी फ्रेट पे भी इंडेक्स फिंगर, दूसरी स्ट्रिंग चौथी फ्रेट पे भी इंडेक्स फिंगर और पहली स्ट्रिंग की चौथी फ्रेट पे भी इंडेक्स फिंगर। ठीक है, आपको ये तीनों एक साथ दबानी है। आप चाहे तो दूसरी उंगलियों का सपोर्ट लेकर इसे दबा सकते हैं और आपको अपनी रखनी है रिंग फिंगर छठी फ्रेट चौथी स्ट्रिंग पे। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद आपको बजाना है 4-3-2-1-2-3-4। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जी शार्प माइनर गिटार कॉर्ड। दोबारा से देखते हैं कैसे बजाना है इसे, अपनी रिंग फिंगर छठी फ्रेट चौथी स्ट्रिंग पे और अपनी इंडेक्स फिंगर चौथी फ्रेट तीसरी, दूसरी, पहली स्ट्रिंग पे एक साथ दबाना है आपको, अच्छे से बार बनाना है इसका यहाँ पे और फिर 4-3-2-1-1-2-3-4 बजाना है। आप चाहे तो अपने अंगूठे से पहले ये शुरुआत की दो स्ट्रिंग्स भी म्यूट कर सकते हैं और दोबारा से ऐसे ही बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस और अलग तरीके से बजा सकते हैं, अपनी रिंग फिंगर छठी फ्रेट पांचवी स्ट्रिंग पे और अपनी पिंकी फिंगर छठी फ्रेट चौथी स्ट्रिंग पे रख के बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने इंडेक्स फिंगर से तीसरी, दूसरी, पहले स्ट्रिंग को दबाना है आपको सेम तरीके से, और बजिए 5-4-3-2-1-1-2-3-4-5। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जी शार्प माइनर गिटार कॉर्ड। यहाँ पे हमारी माइनर कॉर्ड्स का लेसन खत्म होते हैं। अब पहले के लेसन देखें जिसमें और माइनर कॉर्ड आप देख सकते हैं। अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव माइनर्स और मेजर्स के बारे में और बार कॉर्ड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इसे रेट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।